पाकिस्तान जोग्राफियाई, सियासी, मुआशरती और सकाफती हवालों से इंतहाई जरखेज खित्ता है। तहजीब व तमद्दुन के कई अदवार देखने वाला ये खित्ता अपने शानदार माजी की बेशुमार दास्तानें खुद में समोए हुए है। आने वाली नस्लों को माजी के दरख्शां दौर से रोशनास करवाने के लिए मुख्तलिफ शोबों और हवालों से मुतालिक मुल्क भर में मुख्तलिफ म्यूजियम कायम किए गए हैं। ये म्यूजियम सदियों पुराने अदवार की जिंदगी, मुआशरत और सकाफत के आयनादार हैं। इसलिए इन म्यूजियम्स का जहां सियाहती हवालों से मुनफरिद और अहम मकाम है, वहीं ये म्यूजियम्स तारीख के तालिब इल्मों के लिए खोजगाहों की हैसियत रखते हैं। शाहराए कायद आजम लाहौर पर वाके तारीखी लाहौर म्यूजियम बर्र सगीर की तारीख का अहम तरीन गवाह है। ₹1894 में कायम होने वाले इस म्यूजियम की सुर्ख ईंटों से बनी फन्ने तामीर की शाहकार बिल्डिंग बजाते खुद किसी उजूबे से कम नहीं। इस म्यूजियम को पाकिस्तान के सबसे कदीम और सबसे बड़े म्यूजियम के तौर पर भी जाना जाता है। लाहौर एयरपोर्ट के करीब वाके आर्मी म्यूजियम लाहौर में पाक फौज के जर्री जवानों की शुजातों की लाजवाल दास्तानों को महफूज किया गया है। यहाँ इंडियन आर्मी से छीना गया टैंक भी नुमाइश के लिए रखा गया है। पाक फौज के जेर इस्तेमाल रहने वाली मुख्तलिफ अशिया और नायाब असलहा नुमाइश के लिए रखा गया है। अंदरूने लाहौर हकीमा वाला बाजार में वाके फकीर खाना म्यूजियम पाकिस्तान का सबसे बड़ा निजी म्यूजियम है। फकीर खानदान के फकीर नूरुद्दीन और फकीर अजीजुद्दीन को रंजीत सिंह के करीबी साथियों में शुमार किया जाता था, जिन्होंने रंजीत सिंह समेत दीगर अहम शख्सियात और जगहों से मिलने वाले नवादरात को इस घर में इकट्ठा किया और 1901 में इसे आवाम के लिए खोल दिया। लाहौर में वाके मुगल तर्ज तामीर की शाहकार बादशाही मस्जिद अपने हुस्न और फनी महारत के बायस तो दुनिया भर में शोहरत रखती ही है, लेकिन इसमें वाके मुकद्दस तबरुकात से आरास्ता म्यूजियम भी दुनिया भर में खास मकाम व एहतराम का हामिल है। इस म्यूजियम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम के नालेन मुबारक, अमामा शरीफ, नक्शेपा, हजरत अली का अमामा शरीफ, कुरान पाक के नादिर नुस्खे और मखतूतों समेत दीगर इस्लामी तारीख की नवादरात को ज़ियारत के लिए रखा गया है। शकरपड़ियां इस्लामाबाद के मकाम पर लोक विरसा हेरिटेज म्यूजियम तारीख के सुनहरी अदवार को महफूज बनाने की अमली कोशिश है। यह पहला म्यूजियम है जो वफाकी सतह पर इलाकाई कल्चर और रिवायात का आकाश है। शकरपड़ियां इस्लामाबाद के पुरफिजा मकाम पर ही कायम पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम बर्र सगीर की तारीख और जिद्दोजहद आजादी पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई मुफस्सिल और नायाब मालूमात का खजीना है।
मुख्तलिफ तहजीबों का अक्कास ये म्यूजियम तहरीक आजादी की तवील और कठिन रुदाद का रावी है। इस म्यूजियम में नादिर कुतुब के जखीरे के साथ साथ ऑडियो और वीडियो आर्काइव्स का सेक्शन इसे दीगर म्यूजियम से मुमताज बनाता है। रेलवे म्यूजियम गोलड़ा शरीफ पाकिस्तान रेलवे और बर्रे सगीर में रेलवे की तारीख और बतदरीज तरक्की का ऐनी शाहिद है। यहाँ कुली के रिवायती किरदार को बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक्स मुरम्मत करने के औजार, मुख्तलिफ किस्म की लाइटें, रेलवे अमला के बैजेस, स्टेशन पर इस्तेमाल होने वाली अशिया, दफातर की बेल्स, कम्युनिकेशंस सिस्टम्स, इंजीनियरिंग टूल्स, रेलवे स्टेशन मास्टर के ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी अशिया और औजार, इस दौर में रेलवे स्टेशन से गाड़ियों और दीगर जगहों पर राब्ते के लिए इस्तेमाल होने वाले टेलीफोन और दीगर अशिया रेलवे के शानदार माजी की याद दिलाते हैं। ১৯৭০ में कराची की मारूफ शाहरा जियाउद्दीन अहमद रोड पर वाके तारीखी बंस गार्डन में नेशनल म्यूजियम कराची कायम किया गया। इब्तदा में इस म्यूजियम में सिर्फ चार गैलरीज थी जिनमें वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा होता गया और इस वक्त इस इमारत में तकरीबन 11 मुख्तलिफ गैलरियां हैं जो मुख्तलिफ अदवार और तहजीबों की अक्कासी करती हैं। इस म्यूजियम के दरो दीवार पर मोहिंजोदड़ो, हड़प्पा और गंधारा तहजीब की निशानदही करती पोर्ट्रेट्स नजर आती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख को जिंदा रखने के लिए शाहराए फैसल कराची के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम कायम है। पीएएफ म्यूजियम को इब्तदाई तौर पर 1990 में फोर्स के दो नाकाबिले इस्तेमाल हैंगर्स में कायम किया गया था। ताहम बाद अज़ां 1997 में इसकी तौसी की गई। म्यूजियम में मुख्तलिफ जगहों पर तैयारे नुमाइश के लिए रखे गए हैं। कराची में मज़ार कायद के अहाते में कायम म्यूजियम में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली गाड़ी और अशिया को महफूज करके म्यूजियम कायम किया गया है जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत, खुश ज़ौकी और मिजाज की अक्कासी करता है। खैबर पख्तूनख्वा के सदर मकाम पिशावर में वाके पिशावर म्यूजियम बुद्ध मत, पारसी मजहब, हिंदुइज्म और इस्लाम के मुख्तलिफ अदवार पर मुश्तमिल माजी का आयनादार है। इस म्यूजियम की सहर अंगेज दो मंजिला बिल्डिंग इंतहाई जाज़िबे नजर है। आर्ट के मुख्तलिफ नमूने, बुद्ध मत के मुजस्समे, मुख्तलिफ अदवार के सिक्के और रिवायती मलबूसात नुमाइश के लिए इस म्यूजियम में रखे गए। कला बाला हिसार पिशावर का तारीखी कला है जिसमें वाके एफसी म्यूजियम कबायली इलाका जात के सकाफती मंजरनामे, रिवायात और उलूमो फनून का इजहार किया है। म्यूजियम में शोहदा की तस्वीर, मुख्तलिफ अदवार में इस्तेमाल होने वाले नायाब असलहे और दीगर नायाब अशिया नुमाइश के लिए रखी गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों में वाके खपलो फोर्ट म्यूजियम, शिगर फोर्ट म्यूजियम, अल्तित फोर्ट म्यूजियम और बल्तित फोर्ट म्यूजियम बालाई इलाका जात की रिवायती जिंदगी के नकूश और माजी को उजागर करते हैं। इन म्यूजियम्स में
زمانہ قدیم میں استعمال ہونے والے برتن، ملبوسات، آرائشی اشیاء، رہن سہن اور ثقافت کو دکھایا گیا ہے۔ ان تمام میوزیمز کے علاوہ لاہور میں واقع شاکر علی میوزیم، سکھ میوزیم لاہور فورٹ، گجرات میوزیم، ہڑپا میوزیم، ٹیکسلا میوزیم، کلر کہار میوزیم، قصور میوزیم، کرتارپور میوزیم، ٹھٹھا میوزیم، موہنجو دڑو میوزیم، لاموتی میوزیم دیر، سبابی میوزیم، سوات میوزیم، کیلاش میوزیم، پاکستان کے معروف میوزیمز میں شمار ہوتے ہیں، جہاں تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ تمام میوزیمز اس خطے کی روایات، معاشرت، ثقافت اور تہذیب و تمدن کے امین ہیں۔